अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक सुजुकी आल्टो का वेरिएंट लेके आया हूँ, जिसकी डिटेल्स को मैं आपके साथ प्रॉपरली शेयर करूँगा। सो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको इस गाड़ी की तमाम तर डिटेल्स प्रॉपरली मिल सकें। और इसी के साथ आपको बताता चलूँ कि आप में से जो हज़रात इस गाड़ी को खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ईजिली इस गाड़ी को अप्रोचेबल बना सकते हैं। और कॉमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक का इजहार करना ना भूलिएगा, जो कि मेरे लिए हमेशा वैल्यूएबल रहती है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हियर वी गो। सुजुकी आल्टो VXR वेरिएंट, इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन के साथ 2023 का ये मॉडल है, जिसमें 660 सीसी की इंजन कैपेसिटी प्रोवाइड की गई है। 7100 किलोमीटर इसकी अब तक की ड्रिवन माइलेज है और 30.5 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है। फ्रंट साइड को बहुत ही अट्रैक्टिव और डिसेंट सी लुक प्रोवाइड की गई है, जिसमें ग्रिल्स के सेक्शन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है। हेडलाइट्स आर अवेलेबल इन अ वेरी फाइन कंडीशन, जिसमें हैलोजन लैंप्स अवेलेबल हैं। बैक साइड को भी फ्रंट साइड की तरह बहुत ही सिंपल और डिसेंट सी लुक प्रोवाइड की गई है, जिसमें ब्रेक लाइट्स की कंडीशन बहुत ही जबरदस्त है और बैक साइड पे कैम की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। गाड़ी में AGS की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। डोर हैंडल्स ब्लैक कलर में प्रोवाइड किए गए हैं। ब्लैक कलर के इंटीरियर के साथ ड्राइविंग साइड का डोर बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है, जिसमें विंडोज ऑपरेट करने के लिए लीवर प्रोवाइड किया गया है विद इंस्टॉल्ड स्पीकर एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट। सेम कलर के इंटीरियर के साथ बैक साइड के दोनों डोर्स भी अवेलेबल हैं और विंडोज ऑपरेट करने के लिए लीवर प्रोवाइड किया गया है विद इंस्टॉल्ड स्पीकर। ब्लैक कलर के इंटीरियर के साथ रूम की फ्रंट साइड बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। रूम की बैक साइड को भी फ्रंट साइड की तरह बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेंटेन किया गया है। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूं मैं ड्राइविंग सीट पे एंड हियर इज द की। ब्लैक कलर के इंटीरियर के साथ इसका तमाम तर रूम और इसके डैशबोर्ड का टॉप सेक्शन बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। सेकंड सीटर की सेफ्टी के लिए एयरबैग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है विद AC ग्रिल, और इसके बॉटम में मौजूद है स्टोरेज बॉक्स। मिड के सेक्शन में अवेलेबल है एंड्रॉइड एंटरटेनिंग पैनल विद 2 AC ग्रिल्स, हैजर्ड लाइट्स का बटन, एक पोर्शन जिसमें आप अपने सेल फोन वॉलेट चेकीज को कैरी कर सकते हैं, AC पैनल जो कि बटन और नॉब शेप की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है विद द फैसिलिटी ऑफ ऑटो ट्रांसमिशन लीवर। ड्राइविंग साइड पर प्रोवाइड की गई है AC की ग्रिल। स्टेयरिंग की बात की जाए, सो इट इज अवेलेबल इन अ वेरी फाइन कंडीशन, जिसमें क्रोम की स्ट्रिप इसकी लुक को मजीद खूबसूरत बना रही है। सेफ्टी पर्पस के लिए मौजूद है एयरबैग की फैसिलिटी और कंफर्टेबल राइड के लिए मल्टीमीडिया ऑपरेट करने के लिए कुछ फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ऑब्जर्व करते हैं स्पीडोमीटर की कंडीशन आफ्टर टर्निंग ऑन द कार। सो दिस इज द स्टार्टअप, बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया इसके स्पीडोमीटर को। लेफ्ट साइड पे 140 किलोमीटर की स्पीड रेंज मौजूद है और राइट साइड पे दिया गया है डिजिटल पैनल, जिसकी मदद से आप अपनी तमाम तर माइनर ऑब्जर्वेशंस को इजीली नोट डाउन कर सकते हैं। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स एंड्रॉइड एंटरटेनिंग पैनल विच इज इन टच शेप एंड वेरी इजी टू ऑपरेट। फ्रंट पे लेग स्पेस की बात की जाए, सो इट इज वेरी वाइड एंड अनफ, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसके पैडल्स को बहुत इजीली अप्रोच कर पा रहा हूँ एंड आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली एट द ड्राइविंग सीट। फ्रंट दोनों सीट्स लेदर के स्टफ में अवेलेबल हैं विद 2 नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट और काफी कंफर्टेबल स्टफ है इसकी सीट्स का। इन सीट्स के मिड में प्रोवाइड किया गया एक पैनल, जिसको आप ऑपरेट कर सकते हैं आर्म रेस्ट के तौर पे, और इसकी इनर स्टोरेज को भी आप अवेल कर सकते हैं लिड को रिमूव करके, जिसके साथ मौजूद है हैंड ब्रेक लीवर, 2 कप होल्डर्स। ड्राइविंग साइड पे मौजूद शेड सिंपल कंडीशन में अवेलेबल है और सेकंड सीटर साइड का शेड भी सिंपल कंडीशन में प्रोवाइड किया गया, और इन दोनों शेड्स के मिड में अवेलेबल है लाइट पैनल विच इज इन वर्किंग कंडीशन। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूं मैं गाड़ी की बैक सीट पे और आपको बताता चलूं आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली। लेग स्पेस आप देख सकते हैं इट इज टू मच वाइड, काफी इनफ लेग स्पेस प्रोवाइड की गई है बैक साइड के पैसेंजर्स के लिए। फ्रंट दोनों सीट्स की बैक साइड पे ये पॉकेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स या लैपटॉप को इजीली कैरी कर सकते हैं। बैक साइड पे 4 USB पोर्ट्स प्रोवाइड की गई हैं फॉर चार्जिंग पर्पस एंड अ कप होल्डर। बैक सीट्स लेदर के स्टफ में अवेलेबल हैं, जिसमें हेडरेस्ट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, बट बहुत ही कंफर्टेबल स्टफ है इसकी सीट्स का। ऑब्जर्व करते हैं इसके बूट स्पेस की कंडीशन। सो यहाँ पे आपको बताता चलूं कि इसके बूट स्पेस में प्रोवाइड किया गया आफ्टर मार्केट साउंड सिस्टम, जो कि बहुत ही जबरदस्त साउंड की क्वालिटी के साथ अवेलेबल है। ऑब्जर्व करते हैं इसके इंजन सेक्शन में मौजूद मैकेनिकल वर्क की कंडीशन। इट्स अ प्रॉपरली मेंटेन्ड कार, सो इसका तमाम तर मैकेनिकल वर्क जो है वो बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। सो व्यूअर्स, ये थी इस गाड़ी की तमाम तर डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे करते हैं अपनी आज की वीडियो को क्लोज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड अल्लाह हाफिज़।